हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो मैंने मेरे बेबी के लिए बनाई थी उसके बर्थडे पे तो ये पिनाटा केक की रेसिपी है और इसमें हम देखेंगे कि पिनाटा केक को किस तरीके से बनाते हैं इसका सही तरीका क्या है बनाने का इस केक को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो डेकोरेशन के थ्रू और ये मैंने बेरी बेबी के लिए बनाया था और बहुत अच्छी तरीके से बना था तो पिनाटा केक के मोल अलग अलग टाइप के आते हैं तो आप चाहो जिस मोल में उसे बना सकते हो सिंगल लेयर भी बना सकते हो चॉकलेट अंदर डाल के छुपा के और डबल लेयर भी बना सकते हो अंदर केक छुपा के सिंगल लेयर में केक छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए डबल लेयर होता है तो देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है शेयर करते हैं हमारी रेसिपी तो सबसे पहले नींबू और दूध को मिला के साइड में रख देंगे तो अब हम हमारा केक टिंग को रेडी करेंगे इसको लाइन करेंगे बटर पेपर या पाचमेंट पेपर जिसे कहते हैं उससे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे एक बड़ी कढ़ाई या पतीला ले लेंगे उसके अंदर नमक डाल देंगे एक स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हमें केक टिन रखना है ढक दे देंगे और इसे लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे टेन मिनट्स तक प्री हीट करना है हमें इससे ज़्यादा नहीं एक मिक्सिंग बाउल में तेल डाल देंगे पाउडर शुगर डाल देंगे बटर डाल देंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एकजुट कर लेंगे जब तक कि शक्कर घुल ना जाए डालेंगे वनीला एसेंस मिक्स कर देंगे कोको पाउडर या चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे अभी डालेंगे कंडेंस मिल्क अभी हमने जो दूध और लेमन को रखा था साइड में वो इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे बैचेस में मैदा ऐड करेंगे इसको छान लेंगे मिक्स कर लेंगे उसके बाद में नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे मैदे और जो हमने लेमन और दूध मिक्स करके रखा था उसका और साथ में हमने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अंत में ही ऐड करना है सब कुछ मिक्स कर देंगे और ये कुछ इस तरीके के रिबन कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए इस तरीके से फॉल होना चाहिए ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं केक बैटर केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद प्री हीटेड कढ़ाई या पतीले में हम रख देंगे इसे बेक करेंगे कम से कम तीस मिनट तक हमें छूना नहीं है इसको इसके बाद में चेक करेंगे कि यह हुआ है कि नहीं हुआ है छोटा सा केक है इसलिए ये जल्दी बन जाएगा इसको बेक होने के लिए थर्टी टू फोर्टी मिनट्स लगे हैं तो ये तैयार है अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे ये देखें कितना बढ़िया स्पॉन्च बना है चॉकलेट गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पे है आप इन डिटेल उसे चेकआउट कर सकते हो तो क्विकली हम एक गनाश बना देंगे तो यहाँ पर हमने चॉकलेट को ले लिया है चॉकलेट को बारिक चॉप कर लिया है और क्रीम को एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है दोनों तो को मिक्स कर लेंगे और एक बार अच्छे तरीके स्टर कर लेंगे और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और हमारा गनाश रेडी हो जाएगा आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे एक बार वापस स्टर कर देंगे और हमारा गनाश रेडी है आप इसकी रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हो इसको अच्छा स्टेबल बनाने के लिए आप ज़्यादा चॉकलेट ऐड कीजिएगा तो ये पिनाटा केक का मोल्ड है तो आप चाहो तो इसके आजू बाजू में भी केक भर सकते हो तो मैंने प्रिफर किया इसको कट करना तो इसको इस तरीके से मैंने कट किया है ताकि कट करने में आसानी हो केक फोड़ने के टाइम आपको चाहिए तो आजू बाजू में भी केक को लगा सकते क्योंकि वो पिनाटा केक का मोल्ड अनइवन है तो उससे क्या होगा हल्की सी नीटनेस आएगी कट करेंगे तो आपको चाहिए तो आजू बाजू में भी केक का जो स्पंज है उसको लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको इवनली आप गनाश से कवर कर दीजिएगा तो यहाँ पर मैं एक केक बना के उसको इस मोल्ड में डालूँगी तो आप क्या कर सकते हो सिंपली आपको अगर पूरा केक नहीं बनाना है तो आप सिंपली लेयर कर सकते हो केक को वो भी चलेगा वो भी अच्छा दिखेगा तो उसमें क्या होगा आपको पूरा केक को अच्छे से कवर नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली आपको मोल्ड में लेयर करना पड़ेगा फटाफट काम हो जाएगा तो ये ज़रा ज़्यादा नीट दिखेगा इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है जो बाकी का बचा हुआ स्पंज है उसे आप केक सिकल या पॉपसिकल बनाने में यूज़ कर सकते हो आप लोई बना के चॉकलेट में मेल्ट करके ऊपर डेकोरेशन डाल सकते हो उससे एज पॉपसिकल आप डेकोरेट कर सकते हो मेल्टेड चॉकलेट तो आपकी होगी ही आपके पास थोड़ा और डेकोरेशन हो जाएगा आपको बाहर से चॉकलेट खरीदनी नहीं पड़ेगी ये वाला हार्ड शेप डायमंड शेप में है अन ईवन है इसलिए मैंने इस तरीके से कट किया है तो आ, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं तो अगर स्मूथ सरफेस हो तो आप इसे और थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हो तो इसके तीन लेयर में कट कर लूँगी और उसके ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे शुगर सिरप कुछ नहीं है पानी में शक्कर मिलाई है इसको केक को मॉइस्ट करने के लिए हम इसे करते हैं इसे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ड्राई ड्राई नहीं रहता तो तीनों लेयर को गनाश से हम मैंने कवर कर लिया है अब टॉप लेयर भी कवर कर लूँगी अगर आप पूरा प्रॉपर केक नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मोल में लेयर्स करना शुरू कर दीजिएगा जैसे ही आप चॉकलेट का वो शेल बना लो तब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि शेल ब्रेक होने का चांस रहता है इसलिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप इजीली वो बना सकते हो तो ये टू बी ऑन द सेफर साइड मैं केक बना के उसको मोल में ट्रांसफ़र करूँगी तो ये रैंडमली मैं गनाश को स्प्रेड कर रही हूँ केक के ऊपर इसके बाद पिनाटा केक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है जो कि है उसका शेल तो उसके लिए हमें सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है दैट्स इट तो इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है तो सिंपली हम चॉकलेट को बारीक चॉप कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड से हम इसे पिघलाएंगे फिर बॉयल होने पर पानी हम इसके ऊपर ये कांच का बाउल रख देंगे हीट पहुँचते ही चॉकलेट आपो आप मेल्ट होने शुरू हो जाएगी इसे हम चलाते रहेंगे जिससे कि चॉकलेट पूरी मेल्ट हो जाएगी तो चॉकलेट आप इतनी मेल्ट कीजिएगा जिससे कि की आपके दो शेल बन जाए हार्ट के तो चॉकलेट को हम पिघलने पर पिनाटा मोल में डाल देंगे उसको हाथों से टर्न करते हुए उसको फैला लेंगे इसके बाद में फ्रीज करेंगे उसके बाद में अगर आपको लगे कि किधर किधर से पतला है ट्रांसपेरेंट है तो वापस से उसको कोट करेंगे फिर से फ्रीज़र में डालेंगे ताकि हमें एक ईवन मोल्ड में से पीस मिले चॉकलेट का हार्ट शेप में वरना क्या हो जाएगा वो टूट गया तो उसका पूरा शो चला जाएगा और पर उसको आप फिक्स भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके ऊपर अगर आप कुछ डेकोरेशन डाल दो तो वो दिखेगी भी नहीं तो इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे ये प्रोसेस आप इसके सेट होने के बाद भी कर सकते हो हल्का सा मोटा ही रखना है हमें इसे पतला नहीं बनाना है वरना इतना फ्रेजाइल हो जाएगा कि वो आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे तो इवनली सब जगह से मैं स्प्रेड कर लूँगी इसको हमने फ्रीज कर लिया है अब हल्के से साइड से रिलीज़ कर लेंगे हम इस तरीके से ताकि ये एक बार डिमोल्ड हो जाए बाद में आप आसानी से इसे निकाल सकते हो कंपलसरी आप फ्रीज़र में ही रखिएगा उससे क्या होगा ये एकदम हार्ड हो जाएगा और चॉकलेट ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर सारा एकदम मोटा मोटा सा है तो इसी तरीके से हमें चाहिए रिलीज़ करने के बाद हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और वन गो में ही हमारा केक का मोल्ड निकल जाएगा देखिए कितना शाइनी और कितना बढ़िया बना है अगर आपका केक का मोल्ड हल्का सा आपको फिनिशिंग देनी है नहीं दोगे तो भी चलेगा इस तरीके से ब्रेक हो गया है तो आप क्या करोगे यहाँ पर इसको फिर से मोल्ड को चॉकलेट से कवर करना है इसको फ्रीज करना है और उसके बाद में फिर से डीमोल्ड करना है ये इजीली आपको वन फॉर्म में मिल जाएगा इसके दो पीस हम बना रहे हैं बहुत लोग एक ही पीस में बनाना पसंद करते हैं अंदर चॉकलेट्स फिल करते हैं तो अगर आप केक बनाना चाहते हो तो इसे डबल लेयर में बनाइएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा इस तरीके से तो ये मैंने केक को ट्रांसफ़र कर दिया तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप फटाफट फट काम कर सकते हो तो इसलिए मैंने केक को पहले ही बना दिया तो उससे ट्रांसफ़र करने का काम रहा तो इसके ऊपर जब केक फोड़ते हैं तब हमारा केक का डिज़ाइन खराब हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचा कि चोको चिप्स ही क्यों ना डाल दूँ तो चॉकलेट के ऊपर का डेकोरेशन भी खराब नहीं होगा तो आपको चाहिए तो आप चॉकलेट रख सकते हो इसके ऊपर क्रैकर रख सकते हो मैंने आपको बताया वो केक सिकल रख सकते हो दूसरे शेल को मैंने ऊपर सेट कर लिया है इसके ऊपर रैंडमली मैं डिज़ाइन बना दूंगी तो मेरे बेटे ने ब्लू और ग्रीन पहना था तो उस हिसाब से मैंने ब्लू और ग्रीन डेकोरेशन बनाया है और केक सिकल पे भी ब्लू और ग्रीन डेकोरेशन किया है तो आप इस तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो रेड कलर वाइट कलर के चॉकलेट में ऐड करके रेड वेलवेट थीम यानी वैलेंटाइन थीम बना सकते हो ये जो मैंने ब्राउन कलर का शेल बनाया है उसको रेड कलर का बना सकते हो वाइट कलर का बना सकते हो कस्टमाइज़ कर सकते हो इसके ऊपर का डेकोरेशन तो लीजिए जी हमारा केक तैयार है इसको आप हल्का सा जॉइन कर सकते हो चॉकलेट से नहीं करोगे तो भी चलेगा ये बैलेंस हो जाएगा या फिर चॉकलेट को स्क्रिबल कर सकते हो साइड्स पे कोई डिज़ाइन बना सकते हो जिससे कि दोनों शेल जुड़ जाए तो मैंने एक लेस लगा दी थी दोनों शेल को जॉइन करने के लिए तो मेरे बेबी ने तो बहुत एंजॉय किया हैमर से शेल को तोड़ना और केक खाना तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा पिनाटा केक की रेसिपी अपने बिलावट के लिए बनाइएगा तो इस तरीके से हमने ईद का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसे थोड़े केक सिकल बना दिए थे मैंने वो भी रख दिए थे ऐसे सरप्राइज़ अंदर आप कुछ भी छुपा सकते हो यहाँ पर कोई छोटा सा गिफ्ट भी हो तो आप अंदर इसे छुपा सकते हो मुझे ये कांसेप्ट बहुत एक्साइटिंग लगा तो मैंने मेरी बेबी के लिए तुरंत बना लिया तो आप भी जाए ज़रूर बनाए ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज एंड कीप वॉचिंग डू ट्राई दिस पिनाटा केक रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बिलावट के लिए बनाइएगा बहुत ईजी है आप कुछ नहीं तो शेल बना के उसके अंदर चॉकलेट्स भी भर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को तब तक तो के लिए कीप वॉचिंग डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एट होम एंड बाय बाय